कहाँ से लाए बाबा? कौन सा? ये सारी सीसी कबाड़ में से ला करके। ये सारी दारू वाली सीसी है बाबा। आप सुबह कितने बजे निकलते हैं, फिर कितने बजे घर जाते हैं? मजबूरी तो है ही है, बिना मजबूरी का कोई धंधा नहीं करता है, मजबूरी पर धंधा होता है। क्या करती हैं दादी आपके लिए ये तैयार करती हैं? 15 लोग हैं। 15 लड़के? लड़की लड़का सब है। 15 लड़के लड़की? भैया मैं बात कर लूँ, मैं दूर से आई हूँ। एक तो बनाइए बाबा, एक तो किनारे लगा दीजिए बाबा, गाड़ी आएगी तो दिक्कत होगा। बना दीजिए एक तो छोटा वाला बनाएगा, जो सबसे छोटा होगा। 10 वाला बना रहे हैं। बनाइए। ये आइसक्रीम तो कोनो जवाब ना, अब बोलिए के छोड़ के कौन क्षेत्र में ना मिले लाई। अच्छा लगता है? बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। बहुत मेहनत लगता है इस आइसक्रीम को बनाने में, सबसे माल तगड़ा लगता है ये सीसी वाला, बहुत मेहनत से बनता है, 2-3 घंटे। सीसी अच्छा लगता है कि उसके अंदर जो माल है वो अच्छा? सीसी में जो माल भरा है वो दूध का बनाना पड़ता है 2-3 घंटे। वो सीसी जो है वो आपको अच्छी लगती है? नहीं, सीसी में जो माल है वो अच्छा लगता है। नमस्कार, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। हमने कई बार आपको बताया है कि जिंदगी इतनी आसान नहीं होती जैसा हम और आप जीते हैं। हमारे देश में बहुत से ऐसे परिवार हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो जिंदगी को जीने के लिए काफ़ी मशक्क़त कर रहे हैं। हमारे साथ एक बाबा हैं जिनकी उम्र करीब 80 साल है, और बाबा ने बना दिया। कैसे खाना है बाबा? ऐसे ऊपर जो है दूध की रबड़ी जैसा बनाया हुआ है, और ये बर्फ घिस के और रबड़ी के ऊपर डाल रहे हैं, जिसकी वजह से जो बर्फ है वो पिघल रही है और ये रबड़ी के साथ मिक्स हो जा रही है, तो मीठा बहुत लग रहा है। मैं बोल ये रही थी कि हमारे बगल में जो बाबा हैं उनकी उम्र करीब 80 साल है। 80 साल की उम्र में बाबा जो है गांव में ऐसे टहल टहल के ये आइसक्रीम बेचते हैं। इसका स्वाद कैसा है ये एक अलग मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हमारे यहाँ जो बुज़ुर्ग हैं वो करीब 60 की उम्र पार होते होते खटिया पकड़ते हैं और उससे उठते नहीं हैं, जबकि बाबा के जज्बे को सलाम है कि 80-85 की उम्र होगी और बाबा जो है वो। भैया मैं बात कर लूँ, मैं दूर से आई हूँ, आपके तो इलाके के ही हैं। हमारा गोवर्धन। गोवर्धन बाबा, ये जो अंदर ये रबड़ी है वो घर पे अपने बनती है या खरीदी जाती है? नहीं, अपने बनाया जाता है। कौन बनाता है? हम बनाते हैं। आप कैसे बनाते हैं बाबा? खोआ बनाकर बनाते हैं, खोआ बनाते हैं। गाय वाय है क्या घर पे अपने? नहीं, खरीदा जाता है दूध। तो एक दिन में कितना बनाते हैं बाबा? अब इतना बनाए हैं जितना बना है। कितने दूध का बनाए ये? ये है 8 लीटर दूध का। 8 लीटर। ये सीसी कहाँ से लाए बाबा? कौन सा? ये सारी सीसी कबाड़ में से ला करके। ये सारी दारू वाली सीसी है बाबा? चाहे जो भी सीसी हो। अब उसके कबाड़ से लाते हैं। हाँ। तो ये धूप में घूमने से ये खराब नहीं होगा अंदर जो दूध है? ना, नहीं होता है। नहीं, हमने क्या, तो जो दूध दही ये सारी चीज होती है वो फ्रिज में रखी जाती है, आप धूप में लेके घूम रहे हैं, खराब नहीं होता है? अब खाए हैं, आपको मालूम नहीं हुआ खराब है? नहीं, तो आज ही बनिए, आज शाम तक खराब हो जाएगी? 8 दिन नहीं बिगड़ेगा। अच्छा, लेकिन बचता नहीं है, बिक जाता है। बचता नहीं है, बिक जाता है। ये भीड़ देखिए, लोग यहाँ पर ये आइसक्रीम खाने के लिए आ रहे हैं, और यहाँ पर एक भैया हैं जिन्होंने बताया कि इस पूरे बलिया में करीब 3 ही लोग हैं जो इस तरीके की आइसक्रीम बनाते हैं, और बाबा जो है एक लकड़ी पर एक ब्लेड लगी हुई है जिससे बर्फ को घिस रहे हैं, और फिर उसके बाद ये रबड़ी डाल डाल के बाबा जो है दे रहे हैं। बाबा ये क्यों बेच रहे हैं? आपकी उम्र अब आराम करने की हो गई। ठीक है, तो खर्चा आप दीजिए, हम बैठकर खाएंगे। बच्चे नहीं बाबा? आप लोग बच्चे ना हैं? नहीं, आप ही लोग बच्चे हैं। भाई हम तो बच्चे हैं। आपके अपने बच्चे बाबा? अब हम कह दिए कि जी आप ही लोग बच्चे हैं, आप ही लोग देते हैं तो हम खाते हैं। कितना चलते होंगे बाबा दिन भर में?
मतलब कहाँ कहाँ घूमते हैं दिन भर में? तीन मार्केट तक जाएंगे। आज हम मार्केट है वहाँ तक जाएंगे। दो किलोमीटर धूप में भी ऐसे चलते रहते हैं? एक और बना के दो। अच्छा खा के बताइए कैसी लग रही है? अच्छा लगता है। एक और बना के दे दो। अच्छा लगता है, उसमें दूर है नहीं है। खा कर देखिए उसको। तो ये जो रबड़ी है वो खाते राजा कब से बेच रहे हैं बाबा? कब से बेच रहे हैं? बीच में कुछ दिन बंद था, अब फिर बेच रहे हैं। कितने सालों से बेच रहे हैं बाबा? बहुत दिन हो गया। बहुत दिन? अब दिन बताने से नहीं मालूम। घर में कितने लोग हैं बाबा? हाँ 15 लोग। तो 15 लोग का खर्चा इस आइसक्रीम से चल जाता है? नहीं, और वो लोग कमाते हैं। और लोग करते हैं। आपका कितना आमदनी होता होगा बाबा एक दिन में? अभी नहीं बताएंगे, बिक्री के ऊपर होता है। बिक्री के ऊपर? आज सुबह से कितना हुआ है? बिक्री हो जाता है तब गिना जाता है कि कितना पूंजी लगी, कितना फायदा हुआ। हाँ, वही तो मैं पूछ रही हूँ। अब शाम को ना मालूम होता है। अच्छा, ये 7 किलो दूध का बनाया है आपने? अभी एक सीसी पूरी खत्म हुई है, एक और एक आधी, डेढ़ गो ना अभी ये इतना बाकी है। शाम तक बिक जाएगा बाबा? रोज एक रोज बना के लाते हैं, बेच देते हैं शाम तक। कितने बजे निकलते हैं बाबा सुबह? अब यही टाइम निकलते हैं, गर्मी में बिकता है। गर्मी का चीज है, बिकता है। नहीं, आप सुबह कितने बजे निकलते हैं, फिर कितने बजे घर जाते हैं? एक दो बजे से चलते हैं। दो बजे से चलते हैं। अच्छा, और कितने बजे घर जाते हैं? अब सेल करते हैं, सेल हो जाएगा, अभी सेल हो जाएगा, अभी वापस हो जाएंगे। सेल होने का मतलब है कि ये सेल हो जाएगा, सामान सेल हो जाएगा तो वापस हो जाएंगे। ही बिकेगा तब तक सोचे हैं कि भाई बिक जाए तो ठीक है, यही ना दुकानदार समझता है। माल बिक्री हो जाए, कितना लोग चिल्लाते हैं लहसुन 4 किलो 5 किलो, हम लोग चिल्लाते नहीं हैं। घर में कितने लोगों का खर्चा बाबा आपके इस रोजी रोटी से चलता है? अरे 15 व्यक्ति हैं हम लोग। तो बेटे लोग तो करते होंगे कुछ? हाँ, वो लोग भी करते हैं। तो आपकी क्या मजबूरी है बाबा? हमारा मजबूरी है कि हम चलते हैं तो हम अपना चाय चुकर अपना निकालते हैं, चलते हैं बाजार में तो कुछ खाते पीते रहते हैं। घर पर रहेंगे तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। मार्केट में रहेंगे तो कुछ मिलेगा। हाँ, ठीक ना? आप मार्केट में आए हैं तभी ना मिल रहा है। नहीं, मैं ये समझना चाह रही हूँ कि ये आपकी मजबूरी है या आप घर बैठे हैं इसलिए कुछ करते रहे, शौक है? मजबूरी तो है ही है, बिना मजबूरी का कोई धंधा नहीं करता है, मजबूरी पर धंधा होता है, धंधा होता है। मोटा बताइए बाबा, एक दिन में कितना निकालते होंगे आप? अरे 100-200 कमाई लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, दादी हैं? दादी क्या करती हैं? दादी आपके लिए ये तैयार करती हैं? नहीं, ये सब वही धो माज करके है, सर्फ से माज करके तैयार करती हैं, हम बनाते हैं वो तैयार करती हैं, सब बर्तन माज करके फिट रखती हैं। हाँ, जब आप जाएंगे तो सीसी धुलने का काम दादी करेंगे। हाँ, ये बर्फ कहाँ से लाते हैं बाबा? बर्फ एक घड़ी तरह असल में मिलता है। अच्छा, पहले बलिया मिलता था, अब यहाँ ला करके लोग देते हैं। तो ये पिघल नहीं जाता है बर्फ बाबा? पिघलता है। हाँ, तो पिघलने वाला चीज है ही है, पिघलता है। और कहीं नहीं रखे इसके अलावा? और बर्फ कहीं नहीं रखे? बर्फ है भीतर, तो वो ऐसे पिघलेगा जितना धूप में आप घूमेंगे? हाँ, वो तो गर्मी से गलता है। अच्छा, बाबा को इतने लोग घेर लिए हैं कि बाबा ढंग से बतिया ही नहीं रहे हैं, संकोच कर रहे हैं ना बाबा? हम गलती बोलेंगे तो कोई हमको एक थप्पड़ मार देगा। कौन मारेगा बाबा? कोई नहीं मारेगा। गलती बोलेंगे तो ना। देखिए, कुछ लोग पैसे के लिए काम करते हैं, कुछ लोग रोटी के लिए काम करते हैं। तो बाबा से जब बात हुई तो बाबा ने बताया कि मजबूरी है तभी धूप में घूम रहे हैं। 2 बजे जब आप निकलेंगे अपने घर से बाहर तो आपको पता चलेगा कि ये जो धूप है वो इतनी तेज है कि आप अगर बहुत ज़रूरत ना हो तो अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे। बाबा की उम्र करीब 80 साल है, 80 साल की उम्र में ये ठेला लेकर गांव-गांव घूमना इतना भी आसान नहीं। तो बाबा ने ये जो आइसक्रीम बनाई है वो लाजवाब तो है ही, सबसे ज़्यादा इसमें बाबा की मेहनत और प्यार है। जो ये रबड़ी बाबा ने तैयार की है वो बहुत लाजवाब है, लेकिन बाबा थोड़ा खुल के नहीं बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं उनसे थोड़ा बाबा शर्मा रहे हैं ना बाबा? ना शर्माएंगे तो कहीं, आप मेरे से अच्छे से नहीं बात करें, थोड़ा करेंगे तो क्या बेचेंगे, शर्म नहीं करते। कितने बच्चे हैं बाबा? 15 लोग हैं।
15 लड़के लड़की लड़का सब है। 15 लड़के लड़की नाते परिवार। आपके अपने लड़के कितने बाबा? हमारे लड़के हैं 5-6 लड़के हैं। और लड़कियां? लड़कियां हैं अब वही 15 बता दिए। 15 बाबा को अपने बच्चे ही नहीं याद है। हाँ बाबा सही बता रहे हैं, जितना भी हम खिलाए हैं ये सब हमारा बच्चा है। हम जितना लोगों को खिला रहे हैं वो हमारा बच्चा है। चलते हाँ, सही बात है। जिसको दिल से मान लो वो अपने बच्चे है ना बाबा। मोदी जी का सारा हिंदुस्तान बच्चा है। मजबूरियां आदमी को उम्र से ज्यादा ताकतवर बनाती हैं। बाबा की बात एकदम बिल्कुल वैसे ही है कि 80 साल की उम्र में बाबा इस तपती धूप में गांव में निकले हुए हैं और बर्फ बेचकर लोगों को ठंडक पहुंचा रहे हैं, जबकि खुद इतनी चिलचिलाती धूप में ऐसे पैदल निकलकर घूम रहे हैं। बाबा की कहानी हमें हौसला देती है और ये बताती है कि जब जिम्मेदारी आपके सिर पर आती है तो उम्र कोई मायना नहीं रखता, उम्र कोई सीमा नहीं बांधता, आपको अपनी घर की जिम्मेदारी उठाने के लिए निकलना पड़ता है। बाबा की मेहनत को सलाम है, उनके जज्बे को सलाम है कि इतनी उम्र हो जाने के बाद भी बाबा लोगों को आइसक्रीम सर्व कर रहे हैं जो अपने आप से खुद बनाते हैं। ये घर पर तैयार की गई रबड़ी है जिसको ये खुद आइसक्रीम के रूप में हमें परोसते हैं। अब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।